अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमल के दौरान पेशाब का टेस्ट क्यों कराया जाता है, इससे माँ और बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। किसी भी औरत को पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है, मगर अगर हामला को इन्फेक्शन हो तो उसमें ज़्यादा पेचीदगी का इम्कान है। चूँकि हामला औरतों का अंदरूनी साख्त और निज़ाम हमल की वजह से मुतासिर होता है, इसीलिए हामला को गुर्दों का इन्फेक्शन होने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर इन्फेक्शन गुर्दों तक पहुंच जाए तो औरत शदीद बीमार हो सकती है। जिन हामला औरतों को शुगर की बीमारी होती है उनकी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है। तकरीबन हर हामला का यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी और यूरिन डीआर का टेस्ट कराया जाता है। यूरिन डीआर ये बताता है कि हामला के पेशाब में प्रोटीन या शुगर या खून तो नहीं। अगर ये तीन अलामात गुर्दे की शदीद बीमारियों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हमें ये बताता है कि हामला को पेशाब में इन्फेक्शन है। वैसे तो किसी शख्स को पेशाब में इन्फेक्शन हो तो उसे पेशाब करने में सख्त जलन और तकलीफ़ महसूस होती है, मगर कुछ हामला को इन्फेक्शन होने के बावजूद कोई भी अलामत नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके मालूम किया जाए कि किस औरत को इन्फेक्शन है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि किस किस्म के जरासीम की वजह से इन्फेक्शन है। इसके अलावा चूँकि हामला को हर दवाई नहीं दे सकते, इसलिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी से हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन करने वाले जरासीम को कौन सी दवा से इलाज किया जाए। डॉक्टर वो दवा देते हैं जिससे बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। अगर हामला को बार बार इन्फेक्शन हो तो बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हो सकता है। पेशाब के इन्फेक्शन से बचने के लिए कम से कम रोज़ 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर काम करने में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आधा लीटर और लें। इसके अलावा पेशाब आने तो जल्दी फारिग हो जाएं, पेशाब को रोकिए नहीं। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर कंट्रोल में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। बेल का बटन दबाकर आने वाली वीडियो के बारे में मालूमात हासिल करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।